स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए कि आप अपने Samsung Galaxy M21 Android स्मार्टफोन में फ़ोन नंबर कैसे सेव कर सकते हैं। तो आजकल कई सारे नए बिगिनर्स, कई सारे नए यूज़र्स Android स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या स्मार्टफोन से जुड़ रहे हैं, तो अभी उन्हें फ़ोन नंबर किसी को सेव करना नहीं आता। तो जिन लोगों ने अभी नए स्मार्टफोन लिए हैं या जिन्हें फ़ोन नंबर सेव करना नहीं आता, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन है, घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में फ़ोन नंबर सेव करना है तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में यहाँ पर ये कॉलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ है, तो आपको इस ऑप्शन को खोल लेना होगा। तो अब आप देख सकते हैं ये आपका खुल गया है, यहाँ पे आपके नंबर्स लिख के आ गए हैं। तो आपको इसमें अब अपने नंबर्स पुट करने होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाल देता हूँ। तो ये मैंने नंबर डाल दिया है और मैं यहाँ पे ऐड टू कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसे टच करेंगे तो आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। तो हम इसी को अब क्लिक करेंगे, तो आप ये देखिए हमारे सामने पूरा खुल के आ गया है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, यानी कि आपको यहाँ पे अपना नाम डालना होगा जिस भी नंबर से आपको सेव करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मोबाइल नंबर, या यहाँ पे आपको जो नाम डालना है वो आप अपने इच्छा से डाल सकते हैं। और जैसे यहाँ पे दिया है वर्क इन्फो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जिस भी व्यक्ति का फ़ोन नंबर सेव करना है तो वो क्या करता है, क्या नौकरी करता है, या वो कौन सी जॉब करता है, या वो किस कंपनी में, अगर आपको उसके बारे में कुछ भी लिखना है कि आप उसका कॉन्टैक्ट खोलें तो आपको पता चल जाए कि वो ये करता है या इस कंपनी में, तो आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है फ़ोन को सेव करने में। और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर अपने आप आ जाएगा यहाँ पर, और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल है। यहाँ पे अगर उस व्यक्ति की कोई भी ईमेल है और आपको सेव करनी है तो आप इस ईमेल में कर सकते हैं। तो व्यू मोर हम करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम उस व्यक्ति का जिसका फ़ोन नंबर सेव करना है, अगर हमें उसका एड्रेस डालना है, अगर हमें लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ उसका एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, यहाँ पे कोई भी ऐसी डेट जैसे उसकी बर्थडे कब है या हम उससे कब मिले थे, यहाँ पे हम वो डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे हम रिलेशनशिप लिख सकते हैं कि जैसे वो मेरा कौन सा रिश्तेदार है, अगर हम ये लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कई सारे दिए गए हैं, तो इसे भरना कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस ऐसे दिया है कि आप अपने लिए भर सकते हैं कि कभी कोई काम आए तो। तो आपने यहाँ पे सब कुछ भर लिया जो भी आपको भरना है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये कैमरा है, तो यहाँ पर आप उस व्यक्ति की, उस इंसान की फ़ोटो लगा सकते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक आ न्यू प्रोफाइल पिक्चर और ऐड वन फ्रॉम योर गैलरी, आप अपनी गैलरी से फ़ोटो ले सकते हैं, या यहाँ पे कैमरा लिखा हुआ है, आप अपनी गैलरी से फ़ोटो ले सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे कैमरा लिखा हुआ है, आप कैमरा पे करके आप यहीं तुरंत खींच सकते हैं, या इसे आप बाद में कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी इंसान की अपने फ़ोन में फ़ोटो लगानी है तो आप इससे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल लिया हुआ जितना जरूर, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, तो हम इसे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे।
तो ये आपका नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर के नाम से सेव हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये नंबर सेव हो चुका है। तो आपको अपने कॉन्टैक्ट में जाना होगा और यहाँ पे सर्च में जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च लिख के आ गया। तो यहाँ पे अब आपको लिखना होगा जिस भी नाम से आपने सेव किया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है, ये हमारा फ़ोन नंबर सेव हो चुका है। तो ऐसे ही आप इसी तरीके से आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M21 में या फिर आपके पास कोई और दूसरा एंड्रॉयड स्मार्टफोन में है तो आप इसी ही तरीके से अपने स्मार्टफोन में फ़ोन नंबर सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।